हेलो एवरीवन, लॉन्ग एंड टॉल। लॉन्ग एंड टॉल में डिफरेंस क्या है, कहाँ पर लॉन्ग यूज़ करना है और कहाँ पर टॉल यूज़ करेंगे, ये आज मैं ये इस वीडियो में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ बाय कुछ एग्जांपल्स लेके। ठीक है, तो देखिए लॉन्ग कहाँ पर यूज़ होता है, मतलब जहाँ पर कुछ चीज़ जैसे कि फ्लैट रहता है, हम बोल सकते हैं स्लिपिंग लाइन, ओके, हॉरिजेंटल, जो भी, तो फ्लैट जो रहेगा वहाँ पर लॉन्ग यूज़ करेंगे। और जहाँ पर स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग पोजीशन या वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल्स, तो ऐसे चीज़ रहने से हम वहाँ पर टॉल यूज़ करते हैं। तो बस आपको ये लाइन्स याद रखिए, जहाँ पर फ्लैट रहेगा तो लॉन्ग वर्ड यूज़ करना है, और जहाँ पर स्टैंडिंग रहेगा तो वहाँ पर हम टॉल यूज़ करेंगे, जैसे कि मैन। ये स्टैंडिंग पोजीशन है, मतलब ये तो हम इसे मेजर करते हैं, तो टॉल मैन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टॉल मैन। स्नेक, ये स्नेक जैसे दिख रहा है, ओके, तो ये स्नेक, तो स्नेक हमेशा फ्लैट रहता है, तो फ्लैट रहने से क्या होगा आंसर? लॉन्ग, लॉन्ग स्नेक। ट्री, ट्री, ट्री तो हमारा कैसे रहता है? स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है, तो हम क्या बोलेंगे इसको? टॉल ट्री। ये स्टैंडिंग पोजीशन है ना। नेक्स्ट वन, हेयर। तो एक मतलब देखिए, हेयर को ये क्या होता है कि ये वर्टिकल है या हॉरिजेंटल, मतलब फ्लैट है ये टॉल है, मतलब वो नहीं देखना है हमें, ये हेयर की जगह ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनल है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? लॉन्ग हेयर लिखेंगे, चाहे ये स्टैंडिंग लाइन में है या ऐसे, हमको मेजर नहीं करना है, बस हम हमेशा एक्सेप्शनल है, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? लॉन्ग हेयर यूज़ करते हैं, टॉल हेयर रॉन्ग होगा। नेक्स्ट, रूलर। रूलर तो ये फ्लैट रहता है, फ्लैट रहने से हम क्या लिखेंगे? लॉन्ग, लॉन्ग रूलर। रोड, रोड भी कैसे रहता है हमारा? फ्लैट ही रहता है, तो लिखेंगे लॉन्ग रोड। नेक्स्ट, बिल्डिंग। बिल्डिंग कैसे रहता है? जिससे ये वर्टिकल रहता है, मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है, तो टॉल बिल्डिंग लिखेंगे। ठीक है, टॉल बिल्डिंग। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ये छोटे से वीडियो में लॉन्ग एंड टॉल का डिफरेंस। आपको मैं एक होमवर्क देना चाहती हूँ, तो आप क्या लिखेंगे? एक टॉल का एग्जांपल और लॉन्ग का एग्जांपल मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।